बेमेतरा में जिला अल्पसंख्यक की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक से जुड़े सदस्यों के पहुंचने से पहले ही बैठक समाप्त हो गई। जानकारी के अनुसार सदस्य बैठक में शामिल होने अपने निर्धारित समय पर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि बैठक समाप्त हो गई है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि आप सभी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दें, जिस बात को लेकर सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की है। मामले को लेकर अल्पसंख्यक के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की है। उनका कहना है कि राज्य शासन और केंद्र शासन की ओर से अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से कई योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन सदस्यों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, अधिकारी आपस में बैठक कर खत्म कर देते हैं। हमें सिर्फ हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाता है, जिसके चलते उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं इस मामले को लेकर प्रभारी अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हम लोग आज हमें 1:30 बजे बुलाया गया था कलेक्टर ऑफिस में, अल्पसंख्यक आयोग का मीटिंग है और अपनी समस्याएं और जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पहुंचे तो पता चला कि मीटिंग 12 बजे खत्म हो चुकी है। फिर ऑफिस में मिलने गए हम लोग तो वहाँ पे बाबू है, उन्होंने बोला कि भाई आज पहले ही कर लिए साहब, आप लोग दस्तखत कर दें। तो हमने दस्तखत कर दिया था, लेकिन अभी हमें और भी हमारे साथी लोग बिरला वगैरह से ये भी आए, अभी बोले नहीं मिलना है साहब से सदस्य। हम लोग को 1:30 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया था और यहाँ आए तो हमको पता चला कि 12 बजे मीटिंग खत्म हो गई है और कोई भी नहीं पहुंचे थे हम लोग, बिना मतलब खाली अधिकारी कर्मचारी लोग मीटिंग के, और रूम में बुला के दस्तखत लिए बाद में 2-4 जनों को।